अहमद उठ जाओ, हम वापस जाएंगे। इनकी औकात क्या है? डू यू रियलाइज इट्स 2 मिलियन रुपीज अहमद। फहद, जारा, मॉम, हाँ कहाँ है यार सब? हम तो रेडी हैं, मॉम तैयार हो गई? पता नहीं यार, आ गए। मॉम कहाँ थी आप? देर हो रही है हम लोगों को। अब चलते हैं। एमर, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। अब देखो ना, हमारा और उनका स्टेटस इतना फर्क है, शादी तो देखे वाले लोगों में करनी चाहिए। मेरी बात सुने, मुझे वो पसंद है, काफी नहीं। आप चलें? हाँ चलो। चले भाभी, चलो यार, चलो तुम्हारी शादी, चलो। माशाल्लाह अच्छी अरेंजमेंट हुई है ना। क्या कमी थी मेरे बेटे एहसान में जो आपके आपा जान ने रिश्ते से इनकार कर दिए? कमी का आपको पता है तायर, खिलाता कहां से वो? वैसे भी शादी एक जिम्मेदारी का नाम है, उसे उस काबिल तो कर लो। आपने तो बहुत तोपे चलाई है ना, जैसे जब से आई हूँ उसी आमदनी में गुजारा कर रही हूँ, एक मकान, एक दुकान और बस किराया। ये वक्त है ऐसी बातें करने का तारे? अब वो बारात आ गई है। हाँ आए, बारात रिसीव करते हैं। आओ बेटा आइए, चले चलो। देखो अमर, तुम शायद नहीं जानते, मैं बहुत पहले सारा की माँ को जबान दे चुकी। मैं फैसला कर चुका हूँ, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तबीर से। उठ जाओ, हम वापस जाएंगे। मामा सब ठीक तो है? बहन क्या हुआ है? अहमद,
मेरी बात सुनो आगे। मैं अभी आया, मैं आया आंटी। क्या बात है मामा, आप छोटी सी बात को लेकर नाराज हो रही हैं। छोटी सी बात है, इनकी औकात क्या है और इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? मामा, ये वक्त औकात नापे का नहीं है। आप शायद भूल रही हैं, हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इट्स 2 मिलियन रुपीज अमर। और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं यही इस तरह की हरकतें करते हैं, बड़ी बड़ी रकमें हक मैर के लिए लिखवा लेते। खानदानी लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ये आपके बेटे का होने वाला ससुराल है और तबीर आपकी होने वाली बहू, और इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में आपको जेब नहीं देती। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, कल को ये लोग कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे और फिर हमारे पर और हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। मम्मी, मुझे लगता है कि अजान भाई ने ही कुछ किया है। आप यहीं रुके, मैं पता करके आती हूँ। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उनकी इस हरकत पे। भला इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? यही सब कुछ करना था तो पहले बता देते ना। दारा, आप इस मामले में ना ही बोले तो बेहतर होगा। क्यों ना बोले, आखिर भाभी है तुम्हारी और फिर उसकी इज्जत भी तो हमारे खानदान की इज्जत से जुड़ी है। क्या हो गया हमारी इज्जत को, हाँ क्या हो गया? शरीफ लोग हैं और जैसी बातें आप लोग कर रहे हैं ना, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा हमारा उनके ऊपर। सारा, तुम ही इसे कुछ समझाओ। इसकी तो आंखों पर उस लड़की के इश्क की पट्टी बंधी है, इसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एमर, फॉर गॉड सेक, बात को समझने की कोशिश तो करो एक बार। इस तरह से हमारी तरफ के लोग बहुत बातें बनाएंगे, बेवकूफी करने जा रहे हो। 2 मिनट है तुम्हारे पास फैसला करने के लिए। मैं वापसी का फैसला कर चुकी हूं।